अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। इट्स मी अरुज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ दो रेसिपीज़ ही बस शेयर करूँगी। ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं था किया, तो रेसिपीज़ काफ़ी दिनों से पड़ी थी, तो मैंने कहा आप जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि अरबी का सीज़न है। जिस जिसको अरबी नहीं पसंद वो भी ये रेसिपी ट्राई करेगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर उसे भी पसंद आएगी। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत से लोग वीडियोज़ को लाइक नहीं करते, और उसके बाद कमेंट्स करके भी आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। अच्छा जी, मैंने पहले अरबी को कट किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने जो है ना प्याज कट किया, टमाटर कट किया, और अरबी को जो मैंने है ना आटा लगा के उसको मैंने अच्छे से मसला है, और उसकी वो जो ऊपर से वो लेस एक होती है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने आलू वगैरह भी कट कर लिए, और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इनको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, और बाहर से ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर से हाफ से ज़्यादा 80% तक कुक हो जाएंगे, तो आप समझ जाएगा कि आपकी ना बिल्कुल बाद में भी कुक हो जाएंगे। एक टीस्पून मैंने जिंजर पेस्ट ले लिया, गार्लिक पेस्ट एक टीस्पून गार्लिक पेस्ट ले लिया। अब मैं इनको ना फ्राई कर लिया, अब मैं इनको निकाल लूँगी, और यहाँ पे साइड पे मैं निकाल के इनको रख रही हूँ, और उसके बाद हम मसाला बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे, और वो मैं आपको बताऊँगी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ईजी रेसिपी है, और बहुत जल्दी भी बन जाती है। और गर्मियों में दिन में आप ये ज़रूर बना के एक दफ़ा खाएं, आपको मज़ा ना आ गया। लास्ट में आपने लेमन ज़रूर स्क्वीज़ करना है, ये ना मैं पे आपको बताना भूल जाऊँ, लेकिन वो आपने ज़रूर डालना है। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया, अब इनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा ही करना है। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अब इसको सौते करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमेशा डाल के उसको अच्छे से फ्राई ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद इसमें मैं हल्दी डालूंगी थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून, और साथ मैंने टमाटर इसमें डाल दिए। अब मैं सिर्फ हल्दी डाल के इसको कुक करूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इसमें बाकी स्पाइसेस डालूंगी, क्योंकि टमाटर जो है वो अपना थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगा, तो उससे ये मसाला जो है ना अच्छे से भून जाएगा। जब ऑयल अच्छे से रिलीज़ कर देगा ये, तो फिर मैं इसमें अपने स्पाइसेस डालूंगी। तो स्पाइसेस में ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, नमक है और रेड चिली पाउडर है, ठीक है। और अब इसको सौते कर लें। अंदर इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड किया था, और अब इसको मिक्स कर लिया। अब मैंने जो फ्राई की थी अपनी अरबी और आलू को, इसको मैं इसमें डाल के और इसको मिक्स कर लूँगी। आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, और आप लेंथ में भी कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो या जैसे आप कट करते हैं, ठीक है। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने क्यूब्स में ही कट करना, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह ही कट करती हूँ। उसके बाद इसको दम दिया 1 से 2 मिनट के लिए, उसके बाद इसको गार्निश कर दिया हरी मिर्च से और साथ धनिया से, और ये बहुत मज़े की रेसिपी है। लास्ट में आपने लेमन स्क्वीज़ करके ज़रूर ट्राई करनी है, लेमन के बगैर इतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे देख ले, मैंने प्लेट अपनी तैयार कर ली है, एक साइड पे सैलड है, एक साइड पे ये है, और साथ रोटी है एक, और साथ जो है ना हाफ लेमन है मैं स्क्वीज़ करूँगी। उसके बाद हम बाज़ार गए थे, तो यहाँ पे वो जहाँ पे मैंने कहा कि कोई शूज़ देख लेती हूँ, लेकिन जो मुझे पसंद आया था सामने ही वो लगा हुआ है, और उसमें ना साइज़ नहीं था ठीक, साइज़ पूरा था लेकिन पाँव थोड़ा सा मेरा हैवी है, तो वो अच्छा नहीं था लग रहा। ब्लॉक हील थी उसकी नीचे बनी हुई, बहुत अच्छी सी, तो फिर मैंने नहीं लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो फिर ज़रूर देखूँगी। और यहाँ पर आज मैं बना ले रही हूँ पम्पकिन जो है ना उसका हलवा, और इसको कासू बोलते हैं, पता नहीं अब उर्दू में कासू बोलते हैं कि पंजाबी में कासू बोलते हैं, लेकिन ना इंग्लिश में पम्पकिन बोलते हैं। और इसके छिलका इतना हार्ड था, और मेरी फिंगर पे इतनी ज़ोर की ये नाइफ शफ लग गई, और क्योंकि मुझे दूसरी नाइफ से इतना हाथ अच्छा से कट करना आता नहीं है, मैं कटिंग बोर्ड ही यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर ना मैं इसके साथ इस तरह कट कर रही थी, और ये मेरे हाथ पर बहुत तेज़ लग गई। और उसके बाद फिर जो है ना मैंने उसको बैंडेज किया, तो फिर बाकी मैंने काम किया। यहाँ पर मैं बैंडेज करके वापस आ गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। अब मैंने इसका छिलका उतार लिया, और अब इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी। पहले मैंने थोड़ा सा कद्दूकश किया था, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ पे लगी हुई थी, तो वो ठीक से हो नहीं था रहा, तो बाकी अम्मी ने किया। उसके बाद अब इसको मैं एक कढ़ाई में डाल दूँगी, ठीक है, ये एक था। अब इसको 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। जैसे ही अपना पानी छोड़ देगा, तो उसमें हमने चीनी डाल देनी है। चीनी आप मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून यूज़ की थी इतने के लिए, तो आप भी इतनी यूज़ कीजिएगा। ज़्यादा चीनी वैसे भी अच्छी नहीं होती, तो जितनी कम खानों में इस्तेमाल करें उतना बेस्ट है। तो उसके बाद अब मैं इसको मिक्स करके यहाँ पर चीनी डालूँगी, और उसके बाद मैं नीचे चली गई थी चची की तरफ, तो बाकी काम मम्मी ने कर दिया था। तो उसके बाद चीनी डाल के जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, अपना पानी छोड़ेगा, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है,
जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसमें आपने जो है ना वो ऑयल डाल के या देसी घी डाल के आपने अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है और ये बिल्कुल डन हो जाएगा। 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें, चीनी और साथ इसमें यहाँ पे हरी इलायची डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, और खुशबू भी अच्छी आएगी। वैसे भी इसकी अपनी भी एक अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस होती है पम्पकिन की, हलवे की। और उसके बाद यहाँ पे इलायची डाल दी। अब इसको कवर करके तब तक कुक करना है जब तक ये अच्छे से गल ना जाए और साथ पानी भी खुश्क ना हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसमें ऑयल डाल के बुनाई कर लेनी है। और यहाँ पे अम्मी ने प्लेटिंग कर दी थी तो फिर मैंने आके ना यहाँ पे मैंने कहा आपको फाइनल लुक दिखा दूँ। बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया था, लेकिन थोड़ा बना था। और यहाँ पे मैं पापा को डाल के देने लगी हूँ, उन्हें टेस्ट करवाने लगी हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत मज़े का बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। आजकल सीज़न है और आपको आराम से मिल भी जाएगा, और वैसे भी दूसरी कंट्रीज़ में तो ये आराम से इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि उनके पास हर किस्म का फ्रूट और वेजिटेबल अवेलेबल होता है। पाकिस्तान में सीज़नल फ्रूट्स होते हैं तो उसमें आपको मुश्किल से ही मिलता है, तो आज का सीज़न है तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैं हमज़ा को खाना देने लगी हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, अल्लाह हाफिज़।